नमस्कार, आज हमारे साथ नीलम जी हैं और बदमाश है हमारा और गुड़िया है। बाबू के अंदर क्या क्या चेंज आया जब से आपने नारी योग किया? नारी योग किया तो थोड़ा सा बैठने लग गया है, फटाफट एक जगह बैठता ही नहीं था, थोड़ा सा फर्क ही लगा कि बैठ रहा है मेरे सीटिंग पर। और जिस तरह ही इसका गैस पास हो रहा है, इसका काफ़ी वो नहीं होता था, अब 40 से ठीक ही है। आपको भैया के साथ कैसा लगा? आप उसको बिस्कुट भी खिला रहे हैं, अच्छा लग रहा है? क्या लगा भैया के अंदर चेंज? बहुत लगा है, जब दीदी ने जब उसके पेट पे मसाज करी तो खून निकलने लगा। और अभी आपकी बात मानता है भैया? नहीं मानता, मम्मी की मानता है। आपकी नहीं मानता? जो जैसे सीपी चाहिए होते हैं जिनको डॉक्टर बोल देते हैं उसका कोई भी इलाज नहीं है उनको, क्योंकि आपका तो अनुभव है हमारे साथ आज, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर उम्मीद नहीं है, यहाँ पर आपके बच्चे के लिए उम्मीद है, किरण है, ठीक हो सकता है हमारा बच्चा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और माँ कहीं भी दिखेगा तो मैं यहाँ का उनको जरूर एड्रेस पता बताऊँगी अच्छे से, जो है कि ताकि वो अपने बच्चे यहाँ पर दिखा सकें। तो बहुत से बच्चे उनको लाइफ खराब हो रही है, उनका पहला बच्चा ठीक नहीं होता, वो दूसरा बच्चा पैदा कर लेते हैं, उसको ऐसे छोड़ देते हैं। कई माँ बाप ऐसे करते हैं जिन्हें उनको इलाज नहीं है, इसलिए मैं उनको उनका सजेस्ट करूँगा। इसी तरीके से हम लोग बोलना चाहते हैं कि कोई भी डैमेज है तो विद नारी योगा वो रीजनरेट हो सकता है, बाबू के अंदर जैसे परिवर्तन आए। इसके अंदर इनकी भी बहुत बड़ी मेहनत है कि वो दिल्ली से चल के यहाँ अपना समय दिया है।